फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई मॉम टूडे एंड शी इज विद मी टूडे. सो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि इतने अच्छे अवार्ड शो पर आज मेरे मॉम मेरे साथ आए हैं. मेरी पोल मत खुलवाना मॉम से. पहले मैं अवार्ड लेके आता हूँ. पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों. आज अवार्ड जो रखा गया है ये यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों को, शहर के, मैंने देखा स्टेट से भी है, स्टेट के बाहर से भी लोग. तो जब ये अवार्ड शोज होते हैं, बेसिकली अवार्ड शोज करते क्यों है, अवार्ड शोज एप्रिसिएशन होता है. जो भी इंसान जिस फील्ड का हो उस फील्ड में उसका एप्रिसिएशन करके बताया जाता है कि ये इंसान भरोसे की तब्दील है. तो ऐसे अवार्ड शोज करना और हर फील्ड के बेहतरीन लोगों को सराहना ये जरूरी है. लास्टली महिलाओं के लिए भी तरह का एम्पावरमेंट होता है, सभी महिलाएं मिलती है कि दूसरे को मोटिवेट करती है. महिलाओं के ऊपर बोलेंगे अगर आप सब्जेक्टिव में मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली अवार्ड शो एक बेहतर तरीका है. किटी पार्टी से तो अवार्ड शो बेहतर है और इस तरीके अवार्ड शो जरूर बिल्कुल होना चाहिए. थैंक यू. आपको मिला है इस इवेंट में कितना अच्छा फील हुआ और मैम से अवार्ड मिला है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ. मेरा नाम कमल घिमरे है और आज ही मेरी फिल्म रिलीज हुई है कनाडा में, उसका नाम है प्राप्ति. और 40-41 सिनेमा हॉलों में ऑल ओवर कर्नाटका आज मेरी कनाडा फिल्म रिलीज हुई है. और आज ही मेरा एक एड रिलीज हुआ है बिग बास्केट का. तो आज के दिन सही सब सब तरह से खुशियाँ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि संगीता मिश्रा जी है और अवार्ड ही मिल चुका है. तो आज का दिन सुपर धासु है. सब तरह से गुड न्यूज है. कई बार ऐसा होता है जीवन में कि चारों तरफ से खुशी आती है और कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से बम फूटते हैं. तो एनीवे इट वाज ग्रेट ऑनर एंड आई विश जितने भी हमारे अवार्डीज हैं एंड नेशनल इम्पैक्ट अवार्ड के, तो आई थैंक देम वेरी मच. एंड अपने स्पेशली जयंती भाई जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया है, थैंक यू वेरी मच जयंती भाई एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग. जी मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज अवार्ड मिला है और मुझे काम करने का प्रेरणा मिला है, इसलिए मैं जिस टीम को बुलाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. Hello everyone, I'm Sangeeta Ashi, the winner of Mrs. India International and International Global World Queen 2018 from Russia. I won the title from Russia and today I'm getting this award from a beautiful director and coordinator, Monica, and she's my very dear friend and I'm very happy and glad to receive this award, especially from Sangeeta Bijlani. It makes a lot to me. Thank you so much. Thank you so much. First of all, I would really like to give a big thanks to Mr. Shailesh Patel and NSJ team and the organizer Monica Soni. उन्होंने बहुत अच्छे से सारा शो किया है और we are here to take a award and I am here to take a award as a show stopper and as a show director. Thank you so much for this opportunity. जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको थैंक यू सो मच. आई थिंक ये मेरा उनके साथ सेकेंड अवार्ड फंक्शन है और उन्होंने मुझे इस सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023-24 ये मुझे अवार्ड दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू. एंड आई एम डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा एंड आई एम फ्रॉम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार एंड ऑल्सो आई एम टू सोशल वर्क बिकॉज हमारे जो सुप्रीमो है उनका कहना है कि इवन इफ यू आर इन द पॉलिटिकल पार्टी आप 80% सोशल वर्क करिए, 20% पॉलिटिक्स करिए, तो हम उसी के रास्ते पे चलते आए हैं. और मैं सबको एक मैसेज दूंगी कि महिला सशक्तिकरण ये हमारा मोटो है
हम लोग महिला सक्षमीकरण में काफ़ी काम करते हैं. मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ. तो हम लोग काफ़ी महिलाओं को मतलब बताते हैं हमेशा कि मतलब उनके कैसे उनको मतलब अर्ली टेस्ट करना चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग करनी चाहिए लेडीज़ में जो ब्रेस्ट कैंसर की वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए उन्होंने कैसे करना चाहिए लोगों के मतलब काफ़ी हम लोग मेडिकल चीज़ें करते हैं. ये सब हम लोग करते हैं डॉक्टर सुभाष राणे मल्होत्रा फाउंडेशन इसके जरिए हम लोग करते हैं. और मैं आपको सबको एक मैसेज दूंगी कि अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं. 20 नवंबर को इलेक्शन है. मैं ये नहीं बोलूंगी आप कौन से पार्टी को वोट कर दीजिए, मगर ज़रूर आप उठ के टाइम निकाल के ज़रूर वोट कर लीजिए. जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है डू वोट एंड चेंज वट एवर चेंजेस आपको जो लाने हैं प्लीज लाइए. थैंक यू सो मच. First of all, I'm very grateful to Patel sir and Krishna sir. It's a National Impact Award 2024. I'm very grateful that they have nominated me. They have seen my work. I'm a practicing lawyer at Bombay High Court, and I have seen some fake cases. Due to that, I have pursued law, and I feel that there is no law for men. So I have secured few orders under fake rape cases and also pursued one murder case of a 57-year-old woman had been booked under a murder charges. So I secured a bail order from Bombay High Court and I have pursued 30 to 40 gold ornament related a lady had done a fraud with which all ladies, and under that I had pursued secured their gold ornaments, and so sir had observed all my work and nominated me. तो अब ये है कि ऐसे अवार्ड मिलते हैं लोगों में एक और अच्छा काम करने की आगे जो है कैपेसिटी होती है, अच्छा काम करते हैं लोग. और हम लोग शैलेश जी के बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं. तो आज उन्होंने बहुत डिसेंट तरीके से सभी लोगों को अवार्ड उन्होंने दिलवाया. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी थैंक यू सो मच. फैयाज कुछ नहीं, मेरा नाम फैयाज अली खान हुआ, फिल्म एक्टर. और यहाँ के आज शैलेश जी ने जो अवार्ड फंक्शन रखा था बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन था. उन्होंने सबको न्यू कमर्स को और बहुत अलग अलग फील्ड वाले लोग को अवार्ड दिया और स्पेशली संगीता जी के हाथ से अवार्ड दिलवाया. तो ये बहुत एक अपने आप में यूनिक चीज़ थी, तो बहुत अच्छा लगा. और शैलेश जी को ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच. मेरे हाथों में मेरे मॉम के हाथों में अवार्ड है एंड आई थिंक मेरा बेस्ट अवार्ड है अब तक का, बिकॉज मेरे मॉम मेरे साथ हैं. थैंक यू सो मच नेवल फॉर दिस. इंटरनेशनल सेंसेशन ईशान मसीह, ये तो आपको पता ही है वैसे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कुछ कर रहे हैं दिवाली पर, क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं, प्लान है क्या? देखो मैं ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा साल बहुत सारे पटाखे फोड़ता रहता हूँ, चाहे वो अनार बम हो, चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो सुतली बम हो. मुझे ऐसा लगता है पर मुझे आलू बम फोड़ना है दिवाली पे. तो लेट्स सी कि वो मेरी वेब सीरीज आने वाली है कि मेरा सॉन्ग आने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी आदत पड़ चुकी है अवार्ड लेने की बैक टू बैक, बिकॉज वो डेली रूटीन मेरी सेट हो गई कि यस आज मेरा ये अवार्ड है, आज मेरा ये अवार्ड है. बट स्पेशली आई एम हियर फॉर नेविल एंड थैंक यू सो मच नेविल फॉर दिस. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मॉम. कंटेंट जो आप बनाते हैं मॉम मॉम के लिए भी, मॉम से कुछ टिप ले लिया वो आप मॉम से पूछिए जी मैम. इनके कंटेंट जो आते हैं क्या आप इन्हें टिप्स देंगे अलग अलग कंटेंट बनाने के लिए? हां बहुत यादगार रखूंगा. बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का. क्या कहना चाहते हो भाई?
थैंक यू सो मच संगीता जी ने आज मेरे को अवार्ड दिया, मुझे अच्छा लगा बहुत, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड शैलेश पटेल जी, और मैं चाहती हूँ कि इससे बड़ा बड़ा वो अवार्ड शो करे और सबको इनवाइट करे, मैं दिल से उसे बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू, और मुझे यहाँ आके और सबसे ज़्यादा खुशी हुई संगीता मैम के हाथों से सम्मानित होके, क्योंकि हम लोग उनको देख के बड़े हुए हैं, आज उनके हाथों से अवार्ड मिलती है तो बहुत खुशी हो रही है। और अभी मेरी अल्ट बालाजी पे हॉरर मूवी रिलीज हुई है, 6 एपिसोड हो गया है, आप लोग जाके देखिए, बिल्कुल अच्छा है, अल्ट बालाजी का नाम सुन लिया मत समझना जी, रॉन्ग वे में नहीं गाना, अच्छी मूवियाँ भी उस पर आती है, बहुत अच्छी मूवी मेरी हॉरर मूवी रिलीज हुई है बंद दरवाजा 2, तो आप लोग उस पर जाके देखें, और दिल से थैंक यू बोलती हूँ शैलेश पटेल जी को और संगीता मैम के हाथों से मिला है, थैंक यू सो मच माई ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच। मैं सबा खान फाउंडर ऑफ स्पार्कल ऑफ इंडिया की, और जैसे शैलेश भाई ने जैसा प्रोग्राम रखा है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजर को आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे ही बेस्ट इवेंट करते रहना चाहिए, और थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग। मैं हूँ मेकअप और नाज, तो मुझे ये अवार्ड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का मिला है, थैंक यू सो मच शैलेश सर, तो आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं निशिगंधा सुनील कापड़ी नाशिक शहर से आई हूँ, और मैं उत्तर महाराष्ट्र सौंदर्य समृद्धि विजेता भी हूँ, इससे पहले काफ़ी सारे अवार्ड अपने नाम कर चुकी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में कैमरा कार्यरत चालू रहता है, थैंक यू सो मच मेहनी सर, थैंक यू सो मच संगीता मैम, और थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे हस्बैंड को जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, थैंक यू सो मच। संगीता मैम के हाथ से मैं अच्छे बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटियों को अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी दिलाता हूँ, और कितने ऐसे लोग भी हैं कि जो मुझे बहुत जानते हैं लेकिन मेरे साथ पहुँच नहीं पाते, तो मैं मीडिया के उस बारे में कहना चाहता हूँ कि आप मेरा ritesh.doshi.com है, आप वहाँ सर्च कीजिए, और आपको मेरी ऑफिस अंधेरी लोखंड वाला में है, तो आप जरूर तो जाइए। माय नेम इज फिरोज खान, और मैं एक्टर सिंगर मॉडल, शैलेश जी ने मुझे अवार्ड से सम्मानित किया, तो मुझे बहुत खुशी है, मैं चाहती हूँ हर साल मुझे वैसे अवार्ड मिलता है, मॉडल So I'm glad because you know, India aate saath hi receiving some you know prestigious award, it's a great thing. मेरे जितना भी वेब सीरीज या सॉन्ग्स वगैरह जो भी गए हैं उसके लिए मुझे यहाँ इंडिया में सराहा जा रहा है, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। इंडिया में क्या कुछ धमाल करने वाले हैं, इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में क्या कुछ धमाल है, क्या प्लान कर रहे हैं आप में एंट्री करवा दें? यस, सो ऑलरेडी बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट साइन हो चुके हैं, एंड टच वुड लकीली यू गाइस विल गोना सी मी सून ऑन टेलीविजन और मी गेट अस, और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे लेजेंडरी अली भाई और हमारे भाई अब्दुल्ला पठान, ये मुरादाबाद से हैं, बहुत फेमस हैं, आपने इनकी बहुत सारी वायरल वीडियो देखी होंगी, खास करके मुरादाबाद से आए सम्मान समारोह में, और अली भाई के बारे में आप जानती हैं कि माशाल्लाह लेजेंडरी एक्टर हैं, तो अली भाई को, शैलेश जी को और संगीता भंडारी जी को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे बीच में सुनील पाल जी भी हैं, सुनील पाल जी को शपथ, सुनील पाल जी को बीच में लाइए, अली खान साहब इतना इवेंट में बिजी रहते हैं कि फोन करो तो इनके घर वाले बोलते हैं ही इवेंट भाभी जी, बोले शी इवेंट फॉर इवेंट, बोले तुम कौन हो, बोले सर्वेंट, तो इतना बिजी रहते हैं, और मैं समझता कमाल जो है मेरा दोस्त है,
आज के इवेंट में कमाल ने मुझे बुलाया। कमाल वाकई कमाल है, मतलब ये समझ लो जी कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके माँ बाप ने भाई से पूछा क्या हुआ, तो बोले कमाल हुआ। फैयाज के बारे में क्या, फैयाज के बारे में ये कहूँगा कि फैयाज एक बहुत ही स्वीट एंड कह सकते हुक्म का तामील करने वाला जो बंदा है, इतना हुक्म का तामील करता है कि तमिल इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाला है। एंड इनकी कोट को देख के लगता है कि बहुत माल है, जहाँ माल वहाँ सुनील पा। अभिषेक साहब से कहना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला बनी जाओ, बढ़िया से शादी कर लीजिए, कि बेगाना एक शादी में अब्दुल्ला सुना था, लेकिन अब्दुल्ला के शादी में ये बेगाना दीवाना हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अवार्ड वितरण से जिसको अवार्ड मिलता है उसको जोश आता है, मौज आता है, जिसको मौज और जोश मिलता है, आज के जमाने में मोबाइल के जमाने में जोश और मौज डाउनलोड किया जाता है, मिलता नहीं है, तो मुझे मिला है, बहुत शुक्रिया। हमारी फिल्म आने वाली फिल्म कॉफी विद अलोन की तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं। मैं तो पहले सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जितने मेरे पार्टनर, मतलब मेरे पार्टनर है, चीफ गेस्ट है, मेरे अवॉर्डी, मेरे पार्टिसिपेट मॉडल्स, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज उनकी वजह से आज मैं ये इवेंट सक्सेसफुल करना सक्सेसफुल कर पाई हूँ। तो मुझे बस इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छा काम करूँ और भी अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ और आप सबको साथ में रख सकूँ। थैंक यू सो मच। शैलेश जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ जो ये इवेंट का प्लेटफॉर्म बोल सकते हो आप उनको, ये इवेंट उन्हीं की वजह से ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ है, जो आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी हूँ वो शैलेश जी की वजह से हूँ। अगर शैलेश जी नहीं हो तो शायद मैं इतना, मतलब ये इवेंट कम्प्लीट नहीं कर पाती, तो पूरा क्रेडिट मैं तो उनको ही देती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज ये इवेंट हुआ है सक्सेसफुल। संगीता विश्राम मैम आई थी, क्या पूछना चाहेंगे आप लोग, कैसे उन्हें आपने अप्रोच किया और उन्हें भी आगे समा बात दी है, क्या कहेंगे चेहरे पे? नहीं नहीं, तो ये कहना चाहता हूँ, हमेशा आप लोग देखते हो, आगे वाले देखते हो, मेरे में जो चेहरे जो मेरे दिल के करके मेरे उससे कुछ आर्टिस्ट जो दिल में अपने रहते हैं उसके बाद काम करने मुझे आता है, तो लास्ट टाइम भाविक श्री किया था, आप लोग देखे हमेशा जुड़े हैं, इस बार मन हुआ संगीता विश्राम याद करने का, तो मैंने उनको अप्रोच किया, मेरा जो आपको है वो आए और साथ में आप लोग आए, क्योंकि आप लोग का प्यार ही मेरे पास यहाँ तक लेके आया, बहनों का साथ तो है नहीं, लेकिन आप लोग नहीं है तो शायद ये मीडिया वाला यहाँ नहीं होगा, आप लोग का साथ इसलिए नहीं आप, हालांकि ठीक है स्लो गाड़ी है बट ठीक है, गाड़ी सही आ जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं शैलेश जी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाएं और सब लोगों को सम्मान करें और इससे भी बड़ा शो करें। थैंक यू मोनिका मैम को भी, मैम को, तो इन्होंने शो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे फैमिली है, मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त और बड़े बड़े शो करें और सब लोगों को सम्मान दे, इज्जत दे, और ये आज बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये अवार्ड शो, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली, और दिल से थैंक यू बोलती हूँ शैलेश जी को, मोनिका जी को, मैम को, और संगीता दिलानी मैम आई उनके हाथों से हम लोगों को अवार्ड मिला, इससे बड़ा और क्या चाहिए, और हमारी बैक टू बैक सीरियल मूवी आ रही है, आप लोग जाकर देखिए अल्ट बालाजी पे, जी टी वी पे, आईना भी चल रही है, दंगल पे, तो यही है, दिल से थैंक यू मेरे शैलेश जी को और मोनिका मैम को। जी सबसे पहले तो मैं शैलेश भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो शैलेश भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम किए और आगे भी हम इससे अच्छा प्रोग्राम करते रहेंगे, और मोनिका जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों के वजह से लोगों को अवार्ड तो मिलते हैं लेकिन उनकी जान पहचान भी बढ़ती जाती है, और हमारा ये दुआ है कि आगे चल के और हमारे शैलेश भाई, मोनिका जी आगे बढ़े और हमेशा इनके साथ में है, और संगीता जी बिजलानी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मैम का भी, पूजा मैडम का भी शुक्रिया। आगे आगे तो बेन आपने बोला तो बढ़ना है, क्योंकि आप पौधों को बढ़ाना है, तो हम दोनों पौधे नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी बड़ी बहन हूं, हमेशा मेरा एक शहनाज नर्सरी के पेड़ पौधों का नर्सरी है, जिससे मैं सबको हैप्पी दिवाली बोलूंगी, और इसके अलावा हमारे जितने भी मीडिया वाले, सबसे पहले तो हम ये मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे हर काम में अगर आप लोग नहीं है तो फिर हम लोग बहुत पीछे है, और आप लोगों की बदौलत ही हम आगे हैं, और इसी हैप्पी दिवाली के इसमें मैं अपने जितने भी लोग हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, अपने शहनाज नर्सरी की तरफ से 500 आप लोगों को मैं जरूर दिवाली का, और इसके अलावा आप
लोग कभी भी मेरे शहनाज नर्सरी पे गोरेगांव में गोकुलधाम में आइएगा, आप लोगों का स्वागत है। और हर डिपार्टमेंट में या हमारे मीडिया वालों को, जो हमारे जो मेहनत करने वाले सोशल वर्क है, उनको 50% शहनाज नर्सरी की तरफ से डिस्काउंट है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र और हैप्पी दिवाली। आगे भी हमारे इवेंट की प्लानिंग है, जो मैं जिनके लिए अभी एलाबरेट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हमने प्लानिंग किया हुआ है दिसंबर का, जो हम ग्रैंड इवेंट करने के लिए सोच रहे हैं। हम सेलिब्रिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट हम डेफिनेटली बहुत इससे भी हम जितना आगे, मतलब आज जो इवेंट किया उससे थोड़ा एक स्टेप आगे अच्छे से करेंगे, और उसी चीज़ के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो बस इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। बोलना चाहूँगी कि इन्होंने जितने भी आज तक इवेंट किए हैं सब ग्रैंड एंड सक्सेस हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे आके मीन्स लाइक हम कोई भी यहाँ पे आके नहीं बोल सकते कि हम हैप्पी नहीं हैं। नहीं, सब लोग ऑलमोस्ट हैप्पी हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड सलेश भाई जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा एक चीज है, मैंने देखा आप मेरे काफी शो में गए, हम भी खड़े रहे, लेडीज जल्दी भर रखती है, मेरा पहला लेकिन मेरे शो में कुछ होता नहीं है। ये आती है गुस्से में, अपा भी आती है बाद में गले लगते है, काम हमारा बनता है। नहीं गुस्सा में नहीं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा जान है, मैं तो चाहती हूँ गॉड ब्लेस यू और बड़ा ये अवार्ड शो करे, तो मैं दिल से और मीडिया को थैंक यू करती हूँ, और मेरे जितने फैंस ऑडियंस है उनको हैप्पी दीपावली, खूब इंजॉय कीजिए और पटाखे तोड़िए, और हमें मिस कीजिए हमारे प्रोजेक्ट के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।